हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और मैं हूँ आज भोपाल शहर में। जी हाँ, ये है एपिसोड 2 मेरे भोपाल ट्रैवल का। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं। वो है लास्ट रन ICF कोचेस के साथ पतालकोट एक्सप्रेस का। आज हम चल रहे हैं ऐसे एक रेस्टोरेंट में जो कि नॉन वेज लवर्स के बीच में तो बहुत ही फेमस है। भोपाल की पब्लिक बहुत ज़्यादा चाहती है इस जगह को, खास करके स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हुए रहते हैं उनके बीच में ज़्यादा फेमस है ये, क्योंकि वीकेंड्स में सब बाहर घूमने निकलते हैं। और खाने के लिए एक नॉन वेज लवर के लिए बहुत ही अच्छी जगह है होटल जमजम। जब मैं भोपाल में अपने कॉलेज में पढ़ता था तब वीकेंड्स में मैं यहीं जाता था अपने दोस्तों के साथ, तो इसीलिए ये जगह मेरे दिल के थोड़ा सा ज़्यादा करीब है। और मेरा पहला प्रेफरेंस रहता है अगर नॉन वेज मुझे खाना है तो मैं भोपाल में यही होटल में जाता हूँ। जमजम के यहाँ भोपाल में सिर्फ 2 ब्रांचेज हैं, एक जमजम फास्ट फूड और एक जमजम रेस्टोरेंट। मैं अभी आपको जहाँ लेकर आया हूँ वो है जमजम फास्ट फूड। आइए चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपके यहाँ पे कितनी सारी वेराइटीज हैं यहाँ पे डिशेस की। सारी नॉन वेज है, वेजिटेरियंस का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए देखते हैं। जमजम फास्ट फूड बहुत फेमस है अपने BBQ चिकन के लिए, यानी कि बारबेक्यू चिकन। इसकी बहुत सी वेराइटीज़ हैं जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब आते हैं हम रोटेसरी चिकन पे। इसमें एक फुल चिकन लिया जाता है, इसके ऊपर मसालों का एक पेस्ट लगाया जाता है जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। उसके बाद इसे स्लो कुक किया जाता है इस रोटेसरी मशीन पर। आइए देखते हैं। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड डिश है ये, और मैं चाहता हूँ अगर आप यहाँ आएँ तो आप ज़रूर से ऑर्डर करें, आपको निराशा नहीं होगी। आइए यहाँ पे और जो ऑप्शंस हैं डिशेस के, कबाब्स के, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ आके बारबेक्यू चिकन ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करेंगे तो आपको फ्लेवर्स का एक ज़बरदस्त सा ब्लेंड मिलेगा जो कि ज़्यादा ओवरपावर नहीं रहेगा। बहुत से स्पाइसेस रहेंगे इसमें लेकिन बहुत टेस्टी रहता है। अगर आप यहाँ जब भी आएँ तो ज़रूर ऑर्डर करें, और एक बार अगर आपने ऑर्डर किया तो आप जब भी भोपाल वापस आएंगे तो ज़रूर फिर से ऑर्डर करेंगे। इन सब डिशेस के अलावा यहाँ पर एक और डिश फेमस है जो कि है बिरयानी। जी हाँ, यहाँ पे चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग यहाँ पे बिरयानी ही खाने आते हैं खासकर। लेकिन मैं जब पहुँचा था तब यहाँ बिरयानी ख़त्म हो चुकी थी तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाया, लेकिन आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बिरयानी ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको बिरयानी के लिए टाइम से ही आना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा भी लेट होते हैं तो आपको मजबूरन जाना पड़ेगा वापस। तो अब हम आ चुके हैं जमजम रेस्टोरेंट में। ये जमजम की सेकंड ब्रांच है जो कि 300 मीटर दूर है अपनी पहली ब्रांच से। जमजम की ये ब्रांच भोपाल मेन स्टेशन से करीब 350 मीटर दूर पे है, और यहाँ पे सारी वो डिशेज मिलती हैं जो कि पहली ब्रांच में मिलती है, और सभी डिशेज के प्राइसेस भी लगभग सेम है यहाँ पर। ये है यहाँ का नॉन फैमिली हॉल, लेकिन हम जा रहे हैं फैमिली हॉल में जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। आइए चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर में बहुत शोर हो रहा था और बहुत पब्लिक भी थी, और मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ भीड़ में व्लॉगिंग करने में, इसलिए मैं आ गया ऊपर फैमिली हॉल में। फैमिली हॉल में लोग और शोर बहुत कम था, इसीलिए मुझे बहुत आसानी हुई व्लॉग करने में। और एक बात और बता दूँ, यहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही कोऑपरेटिव था, और इन्हें मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर। और यहाँ हमने ऑर्डर किया एक क्रिस्पी लॉलीपॉप जी और एक चिकन बिरयानी रोटी तंदूरी रुमाली तंदूरी तंदूरी बटर में सादा सादा ठीक है स्पाइसी मीडियम स्पाइसी इस होटल की सर्विस भी बहुत फास्ट है। हमने बुलाया था जितने भी ऑर्डर्स, वो 10 से 15 मिनट के अंदर सारे ही आ गए थे। हमने यहाँ ऑर्डर किया था कढ़ाई चिकन, चिकन बिरयानी, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और चिकन टंगड़ी कबाब।
तंदूरी रोटी के साथ, और यहाँ पर रायता और अनियन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमने स्टार्ट किया क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ, जो कि अंदर से बहुत जूसी था और बाहर से बहुत क्रिस्पी, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। कढ़ाई चिकन की ग्रेवी जितनी अच्छी दिख रही थी, उतना ही अच्छा इसका स्वाद भी था। जी हाँ, फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ रहे थे, चिकन बहुत जूसी था, मसालों का बहुत अच्छा प्रोपोर्शन यूज़ किया गया था, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ था, और इसे मैं देता हूँ 9/10 में से, और क्रिस्पी फ्राइड चिकन तो 10/10 था। आइए मैं अपने कज़न से आपको मिलाता हूँ। ये है अविनाश, राइट में है अंकुश, उसके बाद है भूमिका और मैं। तो ये है मेरी आज की मंडली, चलिए खाना शुरू करते हैं। मैं जब भी भोपाल आता हूँ तो यहाँ एक बार ज़रूर आता हूँ। क्या आपने भी यहाँ का फूड एक्सपीरियंस किया है अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जिनके साथ आपने यहाँ का फूड एक्सपीरियंस किया है, और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आइए अपने खाने की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैंने ट्राई किया मलाई टंगड़ी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और जूसी था। इसे मैं देता हूँ 9/10। इसके बाद बारी थी मोस्ट अवेटेड चिकन बिरयानी की, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। चावल बहुत फ्लफी थे, चिकन बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ था, मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, कोई ओवर पावर टेस्ट नहीं था किसी भी मसाले का, बहुत ही अच्छी बिरयानी थी। बिरयानी को मैं 10 में से 9/10 दूंगा। जमजम होटल के इस ब्रांच को मैं वैल्यू फॉर मनी के लिए दूंगा 9.5/10, एम्बियंस के लिए दूंगा मैं 9/10, और ओवरऑल फूड के लिए दूंगा मैं 9.5/10। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भोपाल की सीरीज़ नेवर एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मेरा भोपाल फ्रीक्वेंटली आना जाना होता रहता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।